वाह स्पाइडरमैन जी बात लेके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि अपनी आंख ते पराया डेला क्या मतलब है इसका? जाहिर है जो अपनी चीज है वो ज्यादा अच्छी लगती है तो वो आंख की तरह खूबसूरत है। वाह। तो जो दूसरे जो चीज ना पसंद आए उसको कहते हैं क्या? वो क्या की डेला कड़े मज दीदा डेला कड़े। ले जी हमारा व्लॉग स्टार्ट हो गया, हमारे साथ रहिएगा। अब मौसम खजान शुरू हो गया है और यकीनन शदीद सर्दी पड़ने वाली है, यानी के विंटर स्टार्ट हो रहा है। और नीचे देखे नहीं, पहले तो ये सारे पत्ते वत्ते गिर गए हैं। बिल्कुल, बाद में विंटर स्टार्ट हो जाएगा। अभी पूरी तरह से ये गंजे नहीं हुए गिर रहे हैं अब। बिल्कुल, ये देखे ऊपर देखे। ले जी इससे पहले के सारे पौधे गंजे हो जाएं और सख्त सर्दी पड़ जाए, अगर आपको गर्म मलबूसात की ज़रूरत है तो फौरी तौर पर एजदा आएँ। एजदा में मैंने देखा है कि बेशुमार वैरायटी आ गई है और बड़े ही खूबसूरत लबास हैं। बड़े बड़े ब्रांड की बजाय अगर आप यहाँ से कुछ भी ख़रीदेंगे तो तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें मिलेगी, लेकिन दाम काफ़ी कम हैं। ग्लव्स मैचिंग सारे आ गए बच्चों के। इधर कपड़ों के सेक्शन में हर तरफ ही विंटर की बड़ी ही शानदार सी कलेक्शन दिखाई दे रही है, ना सिर्फ बच्चों के बल्कि लेडीज़ के भी बहुत से मलबूसात हैं और साथ ही मैचिंग जूते भी हैं, वो भी गर्मा गर्म। वैसे इंडोर मैचिंग जूते पहनना मुझे समझ नहीं आ रहा, किसने देखने हैं। और पाँव में अगर ये पहने हो तो बिल्कुल सर्दी ना लगे। वैसे विंटर में गर्म मलबूसात पहनने से ना सिर्फ अपनी सेहत अच्छी रहती है बल्कि ये सब देखने में भी बड़े खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत है स्नूपी वालों का। स्नूपी कितना वार्म कंफर्टेबल है। ये पाके तो सर्दी लग गई ना बिल्कुल, है ना? नहीं। यहाँ पर गर्म ऊनी टोपियों की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है और हर रंग में तकरीबन टोपी मिल जाती है आपने अगर मैचिंग करनी हो तो। और मर्दों के भी मलबूसात हैं। मैं देख रहा हूँ कि एजदा में भी विंटर की कलेक्शन बड़ी खूबसूरत है जी। काफ़ी अभी तो हमने बहुत कम कवर किया है लेकिन ये है कि यहाँ पे तो हर लगे रहे तो पूरा दिन ही लगे रहे। बिल्कुल, सब कुछ दिखाना शुरू करें तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है। बड़ी वीडियो भी बड़ी लंबी हो जाएगी जी, बहुत वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। ये मैं देख रही थी बच्चों की, देखें अब यहाँ पे कितनी ज़्यादा हैं एक्सेसरीज हैं। यहाँ पे तो अब क्रिसमस भी है ना आगे तो इस वजह से यहाँ पे इतने ज़्यादा गिफ्ट्स वगैरह आते हैं, लोग लेते भी हैं और देते भी हैं। जैसे हम ईद पे नए कपड़े जूते एवरीथिंग खरीदते हैं ऐसे ही तो है। सेम इनका भी ऐसे ही है। तो पूरे साल में जो क्रिसमस पे चीज़ें आती हैं ना वो आपको कहीं भी देखने के लिए ये नहीं मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत चीज़ें मैं देख रहा हूँ, हर बच्चों की बड़ों की बहुत खूबसूरत चीज़ें और ख़ास तौर पर विंटर रिलेटेड हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दिसंबर में तो क्रिसमस है, फिर विंटर क्या सारा सामान है। ऐसा ही है। वाह स्पाइडरमैन जी बात लेके। हाँ हाँ, तो फिर उसके बाद यही पहना देते, सर्दी भी नहीं लगती और ड्राई भी हो जाती है बॉडी। और आपको विंटर कलेक्शन दिखाते दिखाते और खूब चलते चलते तो हमें तो सख्त भूख लग गई, सोचा क्यों ना कुछ ज़बरदस्त सा खाया जाए। और यूं ये हमारे सामने चमचमाते चिकन टिक्का और अडाना कबाब, थोड़े से राइस भी हैं और सैलड भी है और साथ लेमन भी पड़े हुए हैं। और ये जो पोर्शन है इसमें चिप्स भी हैं। और ये सिर्फ यही कुछ नहीं था, इससे पहले स्टार्टर भी मिला आज, इसमें सूप भी था और स्नैक्स भी थे, ये थोड़े से बच गए हैं और साथ नान भी है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं कि आप जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें और हाँ एक दूसरे का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हाँ इस खाने को देखकर अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है तो कहिएगा मेरे साथ मिलकर उफ़, ना सिर्फ उफ़ बल्कि उफ़ते उफ़। क्या बात है जी।